प्री डायबिटीज की बात कर लेते हैं। प्री डायबिटीज रिवर्सिबल है और ये वो स्टेज है जिस पे आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। सिनेमन बहुत अच्छी है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। एक इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को एक कप पानी में भिगो के रखते हैं, उसको गर्म नहीं करना सुबह उठ के, गर्म करेंगे तो वो साइड इफेक्ट्स दे सकता है। एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। एप्पल साइडर विनेगर बहुत अच्छा है इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। दो चाय के चम्मच सेब का सिरका सलाद पे डाल के दोपहर के खाने के साथ लें। तीसरी चीज़ गंदम की रोटी, हमारा कल्चर है गंदम में थोड़ा सा जौ मिक्स कर दें, यानी अगर आप एक किलो गंदम ले रहे हैं तो उसके अंदर एक किलो जौ जो है वो ऐड कर दी जाए। दाल और रोटी इकट्ठे नहीं खानी, हमें लगता है दाल प्रोटीन है, दाल कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप दो कार्ब्स, दाल और रोटी नहीं खानी, हम बेसन की रोटी मार दें लोगों को, दाल रोटी का चक्कर ही खत्म कर दिया उन्होंने। दाल चावल डिसाइड किया है कि दाल रोटी खा बंद कर दो तुम लोग, हवाओं पे भी अब टैक्स लगने वाला है, दाल रोटी भी नहीं खा सकते तुम लोग। जी दाल चम्मच से खाएं आप, दाल कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन है। दाल को कभी भी रोटी और चावल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इसके साथ साथ मेथी दाना बहुत इफेक्टिव कर दे। अभी बोलेगा मुझे एक जुमला बहुत याद आ रहा है, प्लीज मजाक की बात है, आई एम रियली सॉरी। अक्सर लोगों से सुना है मैंने, खाते पीते उठा ले मौला, मैं वाकई कह रहा हूँ मुझे खाते पीते उठा, मैं इन चक्करों में काम में मुझे या अल्लाह मुझे शुगर मत देना किसी भी तौर पर, क्योंकि ये तो सभी कुछ बंद कर रही है। अच्छा। अभी तो मैं बता रही हूँ कि ये इस्तेमाल करने, बंद करने में तो ऐसे में आई नहीं अभी। बताइए मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है एंड सफेद जीरा बहुत इफेक्टिव है। एक चौथाई चाय का चम्मच मेथी दाना और सफेद जीरा ग्रीन टी के अंदर डाल के इस्तेमाल कर लें। ग्रीन टी तो ये मुर्गे खाते हैं। मैं आपको सही बता रही, माशाल्लाह मैं तो हैरान होती हूँ, मैं जब भी शो पे आती हूँ ना मैं तो हैरान होती हूँ आप इतने फिट कैसे हैं, जो आप बातें बताते हैं और जो आपकी फिटनेस है। वो बैठा हुआ है, कमर में दर्द है, 12 मील कल भागा हूँ, 12 मील है ना, भागना शुरू किया मैंने दोबारा से। The only thing I do is I run like any, I'm running anyway, so but I run like anything. मुझे भागने का बहुत शौक है। जी ये वाली चीज भी जरूर शुरू करें। दोनों पेशेंट्स के लिए जरूरी है कि वो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी अपनी करें। 30 मिनट्स वॉक, एम्प्टी स्टमक ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन अगर आपसे एम्प्टी स्टमक नहीं होती तो खाने के 2 घंटे के बाद आपने वॉक जरूर करनी है। और जो दूसरी कॉल थी, जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें चाहिए वो अपनी रोटी हाफ कर दें। अगर वो दोपहर में एक रोटी कर रहे हैं हाफ, रात में एक रोटी ले रहे हैं हाफ, चावल 12 टेबल स्पून से ज्यादा एक वक्त में नहीं खाने, सैलड एंड सालन टेबल स्पून से 12 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं खाने एक वक्त में, अगर प्री डायबिटीज को मैनेज करना है। इवन डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये इफेक्टिव है। 12 चम्मच तो काफी होते हैं। हाँ, 12 टेबलस्पून अच्छे खासे हैं। सैलड एंड सालन का इस्तेमाल ज्यादा करें और मुर्गन गजा जो है, बहुत ज्यादा ऑयली फूड जो है, इसको हमने अवॉइड करना है। बेकरी आइटम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और एक मशवरा और है आप लोगों के लिए, जाएं गोरकन से बात करें, उन्हें बताएं कि आपने कुना जगह, वो जगह का पैसे भी दे दें आप, और इसके बाद इत्मीनान से एक कोने में बैठ जाएं और इंतज़ार करें, और अपने बच्चों को बता दें, अपने लोगों को बता दें कि भाई जब भी ऊपर का बुलावा है मुझे फौरन ले जाके दबा देना, बिकॉज़ यू नो, बिकॉज जो लाइफस्टाइल अब हो गया है उसके अंदर तो एक दूसरे को देख के लो। अच्छा बाय द वे एक और आपको इत्तला दूँ, उसके बाद ब्रेक पे जाएं। ये तो डॉक्टर साहब तो बड़ी कमाल बात कर रही हैं, मतलब आयशा ने तो बहुत अच्छी बातें की, ये सब आप खा सकते हैं। एक वर्चुअल फूड आ रहा है, वर्चुअल फूड यानी उसके खाने का अंदाज बदल गया है। आप यकीन माने आज से 20 साल 30 साल के बाद आप सिर्फ पिल्स खाया करेंगे एंड बी ऑल डन, या आपको एक चिप लगा दी जाएगी और आपको भूख ही नहीं लगा करेगी। सर बताइए। राइट साहब, हम इंशाल्लाह आपके शो पे ये एक चैलेंज देने जा रहे हैं कि 10 लोग। अच्छा ये मुझे आवाज़ आ रही है इस तरह से, गूंज रही है, जरा प्लीज़ किसी को बुला लें यहाँ पे, देख लीजिए कि क्या मसला है। जी हम इंशाल्लाह इनकी आपके प्लेटफॉर्म से एक चैलेंज देने जा रहे हैं कि 10 लोग जो डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट हैं वो कॉल करें, कॉन्टेक्ट करें, और उसमें से साहिर भाई आप 10 लोगों को ड्रॉ के ज़रिए उसमें से निकालेंगे और उनका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और इस वक्त HbA1c जो है उनका टेस्ट करवा के हमें रिपोर्ट भेज दें, और उसके बाद 90 डेज़ के बाद दोबारा HbA1c करवाएंगे वो। राइट, हम 6 मंथ का टारगेट देंगे, लेकिन 3 मंथ्स का फर्स्ट फेज में चैनलाइज करेंगे, और ये साल जो होगा इंशाल्लाह उन 10 लोगों का डायबिटीज़ से छुटकारे का साल होगा। okay. वो अपनी इंसुलिन और मेडिसिन से इंशाल्लाह जान छुड़ा सकते हैं, और ये साल जो है उनके लिए बिल्कुल नई जिंदगी लेके आएगा, और उसके लिए हम इंशाल्लाह चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। 10 पीपल, जी 10 लोग, 10 जो कि इनकी उस HbA1c रिपोर्ट हमें भेजेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड में आएगी, और हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 90 डेज के बाद दोबारा हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रीटमेंट इज गोइंग टू बी फ्री। यस, इसीलिए तो हम कर रहे हैं आपके शो पे। अब ये जान लीजिए बात, ये ट्रीटमेंट फ्री होगा,
तो 10 लोगों को हम चूज करने जा रहे हैं, वो 10 लोग फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो डॉक्टर साहब देंगे। ये बात याद रखिएगा कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अब डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ठीक हो जाएगी तो ठीक, नो, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, अब हम आते हैं प्रिवेंशन की तरफ कि प्रिवेंशन कैसे की जाती है, फिर उसके बाद क्योर की बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर नायर, ये बताइएगा प्रिवेंशन कैसे है, मतलब वो लोग जो डायबिटीज़ का शिकार नहीं है लेकिन मौरूसियत विरासत के अंदर उनको वो मिल भी सकता है, उनको किस तरह से इसको प्रिवेंट करना है? देखिए साहिर, इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक ही जुमला है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। और इसमें हम जो लाइफ स्टाइल अभी गुजार रहे हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल गुजार रहे हैं, आप माशाल्लाह से एक्सरसाइज भी करते हैं, आप फिट हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो 98% लोग हैं वो सेडेंटरी लाइफ गुजार रहे हैं। आप देखिए, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जिस तरह से ऑफिस में गाड़ी में बैठ के जाते हैं, ड्यूटी आवर्स पूरे किए फिर गाड़ी में बैठे और घर आ गए, इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को शामिल करें, स्पेशली ब्रिस्क वॉक पहली चीज़। दूसरा, आपको अनहेल्दी से हेल्दी लाइफ की तरफ आना है। अच्छा, मैं एक छोटा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि हमारी जो बॉडी बनती है उसमें फैट्स, उसमें प्रोटीन्स, उसमें विटामिंस, उसमें मिनरल्स का हाथ होता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट हमें सिंपल जो है वो एक फ्यूल प्रोवाइड कर रहा होता है, कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि अगर आप बहुत लंबा फास्टिंग करते हैं तो आपको वीकनेस ही फील होने लगती है, और अगर आप फौरन से जूस ले लें या कोई मील ले लें तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आपको अपने लाइफ में से कार्ब्स को कम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, कार्ब्स में जैसे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि रोटी, चावल, रस्क, बेकरी आइटम्स, ये आपको कट करना पड़ेगा। अच्छा, जो एक बहुत बड़ी वजह वो ओबेसिटी है, जो वेट गेन, जो मोटापे के लोग शिकार हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो आपने वेट रिडक्शन की तरफ आना होगा, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको जो कंपोनेंट आप ले रहे होते हैं फूड का, जो भी उसमें कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप क्या खा रहे हैं ये ज़रूर इंपॉर्टेंट है, बट कितना खा रहे हैं ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हम जो फ्रूट्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं वो पोर्शंस में करते हैं, और वो हमारा 100 ग्राम का एक स्टैंडर्ड होता है। आपको पता है 100 ग्राम एप्पल जो कि एक मीडियम एप्पल होता है, इसमें सिर्फ 52 से 54 कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर हम जो खजूर लेते हैं 100 ग्राम जो कि 3 से 4 होते हैं, उसमें 280 से 285 कैलोरीज होती है। वाओ। और आम जिसको हम समझते हैं कि उससे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आप 100 ग्राम क्यूब्स ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ 60 कैलोरीज होती हैं। Wow. तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं। अच्छा, चलें। आपकी प्लेट जितनी हरी